इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप लावा Z3 मोबाइल फोन को फुल फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं। फुल फैक्ट्री रीसेट करने से क्या होता है, तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। इसके लिए आपको अपने लावा Z3 मोबाइल फोन के सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाकर नीचे आना होगा। नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, सिस्टम पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है एडवांसड का, एडवांसड पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको यहाँ रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको आपको ऑप्शन मिलता है डिलीट ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट का, इस पर क्लिक करेंगे। तो इसमें देखिए आपको बता दिया जाएगा कि अगर आप फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो क्या क्या होगा। सबसे पहले योर गूगल अकाउंट, आपके फोन में जो आपका जीमेल आईडी लॉगिन है वो लॉग आउट हो जाएगा। सिस्टम एंड ऐप डाटा एंड सेटिंग, आपके फोन आपने अपने फोन के सिस्टम ऐप में मतलब कॉल मैसेज कैमरा में कोई भी सेटिंग कर रखा है तो वो सारा सेटिंग हट जाएगा। आपके किसी भी ऐप में कोई भी सेटिंग नहीं रहेगा, या अगर आपके किसी भी ऐप में कोई भी डाटा है तो वो डाटा भी डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपका फेसबुक में अकाउंट है, व्हाट्सएप में अकाउंट है, तो वो भी डिलीट हो जाएगा। डाउनलोडेड ऐप्स, आपके फ़ोन में जो भी डाउनलोड ऐप है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, वो सारा डाउनलोड ऐप डिलीट हो जाएगा। आपके फ़ोन में म्यूजिक, फोटो, अदर यूजर डेटा, आपके फ़ोन में जो भी गाना, सॉन्ग, ऑडियो या म्यूजिक है वो डिलीट हो जाएगा। फोटो डिलीट हो जाएगा और वीडियो डिलीट हो जाएगा। आपके फोन में कोई भी डेटा नहीं बचेगा जब आप फुल फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो। मतलब कि दोस्तों आपका मोबाइल दोस्तों पहले की तरह हो जाएगा। जब दोस्तों आप फोन को खरीदते हैं तो उस टाइम आपको पता होगा कि उस टाइम आपके फोन में कोई भी डेटा नहीं रहता है, जिस टाइम आप खरीदते हैं उस टाइम। तो दोस्तों वैसा ही आपका फोन हो जाएगा, आपके फोन में कुछ भी डेटा नहीं बचेगा जब आप फैक्ट्री रीसेट कर देंगे तो। तो अब देखिए दोस्तों, अगर आपको फैक्ट्री रीसेट करना है तो आपको यहाँ एराइज ऑल डेटा पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फ़ोन का लॉक देना है डाल, अगर आपने लॉक सेट कर रखा है तो जब लॉक डाल देंगे तो एराइज ऑल डेटा का ऑप्शन मिलेगा। अब जैसे ही आप यहाँ एराइज ऑल डेटा पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन फुल फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा और आपका मोबाइल बिल्कुल दोस्तों नया हो जाएगा। जब आपने ख़रीदा था तो जैसा आपका फ़ोन तब था वैसा ही आपका फ़ोन अब हो जाएगा। तो अब अगर आपको फैक्ट्री रीसेट करना है तो आप यहां पर क्लिक कर दीजिएगा। फिलहाल मुझे फैक्ट्री रीसेट नहीं करना है तो हम बैक चले आएंगे। तो इस तरीके से आप अपने लावा Z3 मोबाइल फोन को फुल फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।